हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। और आज है 15 अगस्त, यानी कि इंडिपेंडेंस डे। तो सभी को इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। और झंडा तो सबने फहरा ही लिया होगा मॉर्निंग में ही, और आज प्रोग्राम्स वगैरह भी हुए। हमारी सोसाइटी में भी झंडा फहरा था और प्रोग्राम्स वगैरह हुए थे, बट मैं जा नहीं पाई थी क्योंकि मैं लेट उठी थी, तो मैं जा नहीं पाई थी। और आज मौसम हो रहा है हमारे यहाँ गाज़ियाबाद में बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। तो हम लोग बैठे हुए थे और लंच वंच करके हमने सोचा कि कहीं निकला जाए क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। तो हमने सोचा थोड़ा मौसम का आनंद लेते हैं। तो हमने कहा कहाँ चलते हैं? तो हमने कहा चलो मम्मी, अभी हमारी कानून है ना, वो इंडिया गेट नहीं देख रखा है, तो हमने सोचा चलो इंडिया गेट ही एक चक्कर लगा के आते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं। आज 15 अगस्त भी है तो थोड़ी चहल पहल भी होगी वहाँ पे, तो घूम के आते हैं। तो सब लोग रेडी हो गए और वहाँ चलते हैं, और आप भी चलिए मेरे साथ। तो व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा और मिलते हैं वहाँ जाके इंडिया गेट, और वहाँ से देखते हैं फिर और कहाँ जाएंगे। आप कहाँ जा रहे हो? इंडिया गेट। अरे वाह, चलो फिर हमारी तैयार हो गई हैं और हमारी कन्नू भी। और मम्मी आप हमें इंडिया गेट ले जा रहे हो, और कहाँ ले जा रहे हो? अगर टाइम मिला तो वॉर मेमोरियल और भी सकते हैं। फर्स्ट टाइम इंडिया गेट देखने जा रही है, आजादी इसलिए हम लोग भी जा रहे हैं और मौसम का आनंद लेने भी जा रहे हैं। हो गया ये, और भाई आज फिर जिम की छुट्टी है। नोट मिल रहे हैं इधर उधर से। हाँ रख लो रख लो, वो खाना इसका क्या खाना इंडिया गेट में क्या मिलता है? टॉफी खाओगे? तो आज जिम की छुट्टी है आपकी? तो शान ने जिम ज्वाइन कर लिया क्योंकि वो बहुत मोटू हो गए हैं, तोंद उमल हो चुके हैं। ये देखिए इनकी तोंद कि मेरी बराबरी कर रहे हैं, देखिए। तो इसलिए अब इन्होंने जिम ज्वाइन कर लिया है, लेकिन आज इनकी छुट्टी है इसलिए हमें आज घुमाने ले जा रहे हैं। चलो है ना, चलो से गाइज। अब रास्ते में पड़ा है राजघाट, तो हमारा प्लान बन गया है कि हम पहले राजघाट जाएंगे। शान बोल रहे हैं मैंने राजघाट भी नहीं देखा है, तो कह रहे चित्र को राजघाट भी दिखा देते हैं। तो पहले हम राजघाट जाएंगे, उसके बाद वहां से इंडिया गेट जाएंगे। तो चलते हैं, तो बने रहिएगा, स्टे ट्यून्ड। लाइन लगी हुई है, बताओ। तो इसलिए हम भी नहीं जा रहे हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे लाइन लगी हुई है, लाइन में खड़े हो नहीं सकते हम। बाप रे, मम्मी इधर देखना कितनी भीड़ है। इंडिया गेट कन्नू को मम्मी दिखा दो ना सामने, इंडिया गेट कन्नू या इंडिया गेट आई है सामने, ऐसी देख ले बेटा बाहर से। नहीं कहाँ मिलेगी आज पार्किंग, वही तो कह रही हूँ। दरवाजा ही नहीं खोल रहे उन्होंने, बहुत भीड़ है, सारी बैरिकेडिंग है। तो गाइस हमारा हो गया है पोपट। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। पोपट हो गया हमारा गंदा वाला, कहीं भी पार्किंग के लिए भी जगह नहीं है, बैरिकेडिंग लगी हुई है, लोग तो दीवार कूद कूद के जा रहे हैं, और इतनी ज्यादा भीड़ है कि बता नहीं सकते। हमने बहुत बड़ी गलती करी है आज यहाँ निकल के, पूरी दिल्ली उमड़ के आ गया ऐसा लग रहा है, देखो मतलब बहुत बुरी हालत है गाइस। तो हम लोग शायद नहीं जा पाएंगे और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, तो हम फिर कभी और आएंगे, सोचेंगे कभी और आने का। बहुत मुश्किल से पतिदेव को लाए थे आज हम, पतिदेव हो गए खुश। ये साइड भैया हाल बेहाल है, अच्छा जी राम राम। बहुत इंडिया गेट हो गया भैया, पेट्रोल खर्च करवा दिया भी, खर्च हो गया और कुछ मजा भी नहीं आया। लॉन्ग ड्राइव समझ लेते हैं, यहाँ पे आयो कुछ तो घुमा दो फिर, बस देख लो यार इंडिया गेट, इंडिया गेट नहीं कुछ और ही घुमा दो जब आए हैं पेट्रोल खर्च करके। आज कहीं नहीं, दुनिया तो यहीं आई है, बाकी जगह खाली हो गई हैं लोग। लग रहा था ये स्थिति क्या बोलना चाहते हैं,
मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग ना भरे रहते हैं ना, कृपया त्योहार के दिन ना निकले, त्योहार के दिन ना निकले। आज तो मतलब गाड़ी तो दूर चलने की जगह नहीं है। 15 अगस्त है तो इंडिया गेट चलो, 26 जनवरी है तो इंडिया गेट चलो, बिल्कुल मत चलो। पार्टी करने जाना है तो इंडिया गेट चलो। इंडिया गेट तो ऐसा हो गया है कि पता नहीं क्या हो गया है इंडिया गेट का। हम यहाँ रहते हुए भी इंडिया गेट नहीं है, मतलब एक बार आए होंगे बस, कभी आते ही नहीं। हम इस बार बड़ी मुश्किल से हमने प्लान किया कि चलो कन्नू को दिखाते हैं, और लेकिन यहाँ तो चलने की भी जगह नहीं है, हमें पूरा चक्का जाम है। बहुत बुरी हालत है आज। गाइस हम यहाँ आ गए हैं बुद्धा पार्क, जाते टाइम रास्ते में पड़ा। अब गाइस हमने कहा अच्छा मैं भी बोलूंगा, अच्छा ठीक है। अब गाइस हम भी भरे बैठे थे कि हम भी कहीं ना कहीं जाएं, है ना। ये बस टांग खींचने में लगे। ये सबसे फेमस जगह है दिल्ली के छैला मजनू के लिए। किसके लिए? छैला, छैली, मजनू। समझ रहे हो ना। शांति के लिए जो है ये बुद्धा का स्तूप बनाया हुआ है। इसके अंदर भी जा सकते हैं शायद, वो जगह चलते हैं, देखते हैं चल के अगर इसके अंदर जा सकते हैं तो। ऊपर तो जा रहे हैं खैर लोग, तो दिखाती हूँ मैं, शान आ रहे हैं अभी। लैला मजनू देखने में जूते चप्पल का उतारने, यहाँ पे लिखा तो है, यही उतार के चले जाए क्या? ले जाओ लो। यहाँ पे लिखा है कृपया जूते उतारे, पर उतारे कहाँ चप्पल जूते, हमारे को उठा के ले जाएगा। देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे। मम्मी ये किधर से? मम्मा चलो। तो गाइस यहाँ पे मतलब ऐसा तो स्पेशल कुछ नहीं है, बट अच्छा लग रहा है ना ये जो बना हुआ है, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे, शांति है, ज़्यादा वो नहीं है, अच्छा लग रहा है। देखिए मेरे पीछे तरीके से यहाँ पे बुद्धा जी बने हुए हैं, और तरीके से यहाँ पे ना बुद्धा जी की अलग अलग मूर्तियाँ बनी हुई हैं। हम पे तो फ्लैग ही नहीं है, हम कहाँ से वीडियो बनाएंगे? मटको राम। मम्मी लोग झंडे ला रखे हैं, वीडियो बना रहे हैं, फाइट फाइट कर रहे हैं, वीडियो बनाने के लिए। हाँ झंडा खरीद लेते हम भी, क्या रास्ते में ला लेते शायद। झूले उले हैं, कन्नू को थोड़ा सा झूला झूला देते हैं, बच्चे को खुश करना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे गर्मी का आनंद लेते हुए पसीने आ रहे हैं, और हम आई का मजा लेते हुए। कैसा फील हो रहा है तुम्हें यहाँ पे? चिल्लम चिल्ली बहुत मजा आ रहा है।
शान को इतना मजा आ रहा है कि वो बयान नहीं कर पा रहे हैं, वो फीलिंग सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। बहुत मजा आ रहा है। तो गाइज अब हम यहाँ पे कहीं शांति की तलाश में जा रहे हैं, जहाँ खुरा शांति वाला जगह हो तो वहाँ बैठ के चिल मारेंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत सारे हैं तो बहुत शोर हो रहा है, चिल्लम चिल्ली ज़्यादा हो रही है। तो कह रहे हैं चल नेहा कोई कोना ढूंढते हैं हम भी पार्क का, हम भी छैला छैली बन जाते हैं, लैला मजनू। हाँ वही, हमारे दिन तो चले गए हैं वैसे अब हम माँ बाप बन चुके हैं, बट नहीं नहीं हम फैमिली के साथ बैठेंगे, तो मजाक था। कैंटीन भी अब यहाँ आते हैं तो खा भी सकते हैं कुछ, तो कैंटीन भी है। यहाँ की चाउमीन टेस्टी है, क्योंकि शान ने मुझे बोला कि वो शक्ल से अच्छी लग रही है बनते हुए, और सबसे ज़्यादा भीड़ भी चाउमीन में ही है, बट उन्होंने मुझे देख के जल्दी दे दिया और मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ा। तो खाते हैं और देखते हैं कि कैसी है शक्ल, तो अच्छी लग रही है। कोल्ड ड्रिंक और कुरकुरे और ली है चाउमीन, मजेदार है। वो खाने से पहले हैंड वॉश करती है, देखो रब कर, रब करो और इससे पोछ लो। दूर दूर दूर। कैसी है अम्मी, शक्ल से तो सही लग रही है। बॉटल चैंपियन की जुकाम लग गया है, मानती क्या है, कोल्ड ड्रिंक की चट्टो है। तो गाइज हम पसीना पसीनों के, हमने इंस्टाग्राम की वीडियो भी शूट कर ली है तो, और मच्छरों ने भी बहुत खाया है। तो अपने मम्मी उसका नाम बता दीजिए इंस्टाग्राम आईडी का, ताकि लोग आपको फॉलो कर पाए। नेहा शान जोशी हमारी, ये तो हमारे चैनल का नाम है नेहा शान जोशी। आपका यूट्यूब उसका नाम बताओ ना, इंस्टाग्राम का क्या नाम, आपका नाम क्या है? कौशल्या जोशी। हाँ, और मेरा है नेहा शर्मा जोशी, नहीं नेहा नेहा जोशी, मतलब भाई की कहा नेहा जोशी और कौशल्या जोशी। तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले, और अब हम बहुत थक चुके हैं, हम ऐसे जा रहे हैं। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जो हमारे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, और हमें बहुत सारा प्यार देना, सपोर्ट देना, ताकि हम आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आते रहे। और बताइएगा हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।